वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 13.7। तो देखो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो देखो, जो हमने इससे पहले पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वो हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था आपके पास पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो भी इसी से डिराइव हुआ। कैसे कि देखो, हमने एक एक्टिविटी करके देखी, हमने एक कोन लिया जिसकी रेडियस और हाइट सेम थी जो एक सिलेंडर के लिए थी, ठीक है। तो जब हम उस कोन से हमने वाटर को इसमें जो पोर किया, इसमें डाला, तो ये पूरा नहीं भर पाया। फिर हमने दोबारा ट्राई किया, फिर हमने जब तीसरी बार ट्राई किया तो तीसरी बार में जो ये पानी था इसको पूरा भर पाया। इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का तीसरा हिस्सा है, 1/3 है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला देखो हमारे पास क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम है सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस एक्सरसाइज में आपको बाकी दोनों फार्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का हमने पढ़ा था पाई आर एल, जिसमें एल जो है वो आपकी स्लेंट हाइट है, ठीक है, एच आपकी हाइट है, आर रेडियस है। और टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या किया था, हमने बेस का एरिया भी जोड़ दिया था पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया था पाई आर एल प्लस आर, वेयर एल इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है। एल की जो वैल्यू वो स्लेंट हाइट जो होती है वो राइट एंगल फार्मूला से लगाए जाते हैं पाइथागोरस वाले थ्योरम से, ठीक है, कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद द रेडियस आर 6 सेंटीमीटर हाइट 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। यानी कि रेडियस 6 सेंटीमीटर हाइट 7 सेंटीमीटर में वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू आपको नहीं गिवन, तो 22/7 आर स्क्वेयर यानी 6 का स्क्वेयर 6 × 6 और एच की वैल्यू 7 से 7 कैंसिल, 3 से 6 2 पे कैंसिल। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 22 × 44 या जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। यस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट है 12। तो अगर 3.5 को डेसिमल हटाएं तो 35/10, इसको कैंसिल कर सकते हो 5 से 7 और 2, तो यह आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो करें 1/3 पाई 22/7, 7/2 इंटू में हाइट 12। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 6, 2 से फिर 3, 3 से 3 कैंसिल। तो अब क्या बचा, 22 और 7 बच गया, तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटी के लिए भी आप वॉल्यूम वाला फार्मूला ही यूज करेंगे, कि उसमें कितना आप क्वांटिटी उसमें ऐड, उसमें पोर कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो, तो वो किसके लिए, वॉल्यूम ही बताएगा कितना स्पेस उसने लिया हुआ है। देखो इसमें क्या अलग है, इसमें रेडियस और स्लेंट हाइट गिवन है, पर जब कैपेसिटी या वॉल्यूम वाला हम फार्मूला लगाते हैं तो उसमें आपको हाइट चाहिए होती है, स्लेंट हाइट नहीं चाहिए होती है। तो आप क्या करेंगे, पहले स्लेंट हाइट से आप हाइट निकालें, उसके बाद करेंगे। तो देखो क्वेश्चन करते हैं ये वाला।
रेडियस गिवन है आपको, स्लेंट टाइट गिवन है आपको, कैपेसिटी निकालनी है यानी वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है, तो एच निकालना पड़ेगा। तो देखो एच कैसे निकालेंगे आप, एच निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैसे, क्योंकि एल का स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इस तरफ ले आए तो एल माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एल का स्क्वायर कितना है, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर अगर आप सोल्व करें तो आएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो 625 में से 49 अगर आप घटाओगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 576, और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, तो ये आपके पास L नहीं आएगी या H आएगी, H आपके पास आएगी स्क्वायर रूट 576 यानी कि 24 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस भी है, आपके पास हाइट भी है, तो कैपेसिटी निकालें। तो देखो कैपेसिटी निकालते हैं हम इसकी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7 और इंटू में एच, एच आपके पास आ चुके हैं 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24, 8 पे कैंसिल। तो याद है आपके पास इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2, 3, 2 किस में था, सेंटीमीटर में, तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने आपको बताया था जो कैपेसिटी होती है वह लीटर मिली लीटर इनमें होते हैं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब को आप लीटर या मिली लीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैं डेसिमल लगा दूंगा, 1.232 सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, लीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.232 लीटर, क्योंकि मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। हाइट आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट दे रखी है, क्या फाइंड करना है आपको, कैपेसिटी। तो देखो गिवन आपको रेडियस नहीं गिवन, तो रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वेयर रूट एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, ठीक है। जैसे हमने हाइट निकाला था एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ऐसे ही आर आ जाएगा स्क्वेयर रूट एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर। तो देखो एल का स्क्वेयर यानी 13 का स्क्वेयर माइनस 12 का स्क्वेयर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 25, और स्क्वायर रूट 25 होता है आपके पास 5, तो रेडियस आ चुकी है आपके पास 5। अब क्या निकाले, कैपेसिटी। तो देखो कैपेसिटी फार्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी आई है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5, और एच आपके पास थी 12। तो देखो 3 से 12 कैंसिल 4 पर, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि ये कैपेसिटी है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से, ताकि ये लीटर में आ जाए, 2200/7 और अपॉन में 1000, इससे क्या आ गया, ये लीटर में आ गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 5, 2 से कैंसिल करें तो 5 और ये 11, तो ये आ गया 11/35 लीटर, ठीक है। ये आपकी कैपेसिटी आ गई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, कौन सी हाइट है, एच है ये, ठीक है। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। आपको आर की वैल्यू निकालनी, वॉल्यूम दे रखा है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। तो देखिए, तो आपको हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस नहीं गिवन, फाइंड करनी है। तो लेट रेडियस, रेडियस आप सपोज कर लीजिए आर, और क्या दे रखा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम 1570 है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल्स टू 1570, ठीक है। तो पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था कितनी दे रखी है, 3.14। रेडियस आपको फाइंड करनी है, एच आपको 15 दे रखी है। तो देखो करते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू हमने ले ली 3.14, आर का स्क्वेयर इनटू में एच, एच आपके पास है 15, दैट्स इक्वल्स टू 1570। 3 से 15, 5 पे कैंसिल। आर स्क्वेयर निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है। इस तरफ आएगा तो अपॉन में आ गया 5, और ये 3.14 है, देखो इसके डेसिमल हटाएं तो ऊपर 100, ये इसे 5 पे कैंसिल, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, आर स्क्वेयर क्या आ गया, 100। अब 100 किसका स्क्वेयर होता है, 10 का, तो इसको 10 का स्क्वेयर, आर देखो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर, सो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी इसमें और वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। आपको डायमीटर निकालना, तो डायमीटर से पहले आपको रेडियस चाहिए। तो देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, करते हैं, हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर एच, रेडियस आपको नहीं गिवन तो आपने आर ले लिया उसको, वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज इक्वल्स टू 48 पाई। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, दैट इक्वल्स टू 48 पाई। अब दोनों तरफ पाई है तो हमें पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बाकी वैल्यूज रख देंगे। तो देखो क्या क्या आएगा, 1/3 पाई इंटू पाई इंटू में आर स्क्वेयर, आर भी आपको नहीं गिवन तो आर स्क्वेयर इंटू में एच 9, दैट्स इक्वल्स टू 48 पाई। 3 से 9 3 पर कैंसिल, आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज को तरफ ले जाएंगे, 48 पाई अपॉन 3 और ये पाई नीचे, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 48 16 पे कैंसिल। आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 16, 16 किसका स्क्वेयर होता है, 4 का, तो आर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट्स योर आंसर। सेंटीमीटर आ चुकी है, तो डायमीटर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल, तो 2 इंटू आर यानी कि 2 इंटू 4, दैट्स 8 सेंटीमीटर, ओके। नहीं करेंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए, आप इस चैनल से जुड़े रहें और बाकी वीडियोस देखते रहें। गुड लक।